सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द टॉपिक। तो हमने v निकाला, v है बराबर v नॉट प्लस v d। अब मैं यहां पे ये v नॉट देखूंगा कितना होगा और v d कितना होगा, एंड इवेंचुअली वी विल कम टू अवर डेराइवेशन। सो यहां देखिए बेटा, आप ये देखिए, ये v है क्या? आप व्हाट इज v नॉट नाउ? क्या v नॉट को लिख सकते हैं हम e नॉट इंटू डी माइनस टी? वाई डी माइनस टी, ये आप समझ लीजिए। मैंने कहा v नॉट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस रीजन की पोटेंशियल डिफरेंस है जहां पे डाई इलेक्ट्रिक नहीं है। इन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस थी d, पूरी स्पेस में डाइइलेक्ट्रिक को नहीं रखा गया, डाइइलेक्ट्रिक को रखा गया x पर, सॉरी t पर। तो d में से आप t काट लीजिए, वहां पे जो रीजन बचेगा वहां पर डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, पूरा d है, ठीक है। और d में से t पर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, बचा क्या उधर d माइनस टी। और ये क्यों मैंने लिखा? क्योंकि आपको पता है फॉर यूनिफॉर्म फील्ड के लिए एक्सप्रेशन है v इक्वल टू ई डी। अब यहां पर चूंकि e की जगह e नॉट आ गया और d की जगह d माइनस टी आ गया, ठीक, यहां पे हम लिख भी सकते हैं वायर E नॉट इज फील्ड ओवर रीजन d माइनस टी। ऑल्सो v क्या लिखा जाएगा? v d, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द रीजन वायर डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड। जहां डाइइलेक्ट्रिक रखा गया है वहां पर रिजल्टेंट फील्ड है E, और कितनी रीजन पे डाइइलेक्ट्रिक है? टी पर, ठीक है। और हमने ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि ई बराबर होता है ई नॉट बाय स्मॉल के भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड इन द डाइइलेक्ट्रिक टॉपिक। इस तरीके से वी क्या बना? वी नॉट प्लस वी डी, वी नॉट का वैल्यू है ई नॉट डी माइनस टी, और वी डी का वैल्यू है ई नॉट बाय के इनटू टी। बस देयरफॉर कैपेसिटेंसेस क्यू बाय वी, क्यों है सिग्मा ए, और वी आपने निकाला ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट टी बाई के। तो अगर हम इसको और फर्दर लिखेंगे तो सी आएगा आपका सिग्मा ए डिवाइडेड बाई ई नॉट, दोनों में से कॉमन इधर बचा d माइनस टी प्लस ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं है, एप्सिलॉन आर का दूसरा तरीका लिखने का है d माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यहां देखिए बेटा क्या होगा, इधर शाबाश, e नॉट यूनिफॉर्म फील्ड है और आपको गॉसेस लॉ के हवाले से पता होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक्सप्रेशन आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। द फील्ड बिटवीन टू थिन चार्जेड शीट्स इज यूनिफॉर्म एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर आएगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के।
सिग्मा और सिग्मा कैंसल, ये एप्सिलॉन नॉट रेसिप्रोकल होके ऊपर, ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, इधर बचा डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये रह गया कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन देम। ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है और बच्चों को गलत होता है, कभी तीन किस्म के सवाल आते हैं इस पर, या तो सिंपल पूछा जाएगा डेरिवेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बस उसको वो वाला डेरिवेशन जो हमने किया, दूसरा पूछा जा सकता है डेरिवेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन देम, इट इज द क्वेश्चन। तीसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड, वो हमारा अगला क्लास होगा। अब यहां देखिए एक दो चीजें मुझे यहां पे आपको बतानी है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, टू कंप्लीट दिस होल टॉपिक नाउ। एक दो चीजें आपको पता होनी चाहिए यहां पर, स्पेशल केस, नंबर फर्स्ट स्पेशल केस होगा अगर पूरे रीजन पे डाइइलेक्ट्रिक होगा, इफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड ऑल ओवर द रीजन, मतलब टी जो है वो डी बना दो पूरे, अब जितनी प्लेट्स के बीच में रीजन है उस पूरे रीजन पे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखो, टी इज इक्वल टू डी, जरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा फिर उसका, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस डी प्लस डी बाय के, एप्सिलॉन नॉट ए, व्हाट इज डी माइनस डी, जीरो प्लस डी बाय के, तो आपका एक्सप्रेशन नहीं आया बेटा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी बाय के, के ऊपर ये के एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, ये तो वही बात प्रूव हो रही है कि अगर बीच में डाइइलेक्ट्रिक है तो उसकी कैपेसिटेंस होगी एप्सिलॉन आर टाइम्स सी ओ, एप्सिलॉन आर टाइम्स सी ओ, हैव यू गॉट इट, क्या होगा सी ओ क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, जो पहली डेरिवेशन थी, होप यू हैव गॉट इट। आई हैव टू डिस्कस वन मोर थिंग अबाउट इट, दैट विल बी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस वेरी टॉपिक।